हे गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल एडवाइजर यूट्यूब चैनल। सो बिगनर्स गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये उस सीरीज की 10th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट हाउ टू मेक अ स्टॉक पोर्टफोलियो। सो इफ यू वांट, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, इसमें हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो आपको दो मेन चीज़ों पर फोकस करना होगा। नंबर वन, बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स, एंड नंबर टू, बाइंग एट द राइट टाइम। सो अगर आपने क्वालिटी स्टॉक बाय करा है तो आपका जो प्रॉफिट है वो मार्केट में अश्योर्ड है, बिकॉज क्वालिटी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में रहते हैं एंड उनका शेयर प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहता है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आपने किस प्राइस पे एक क्वालिटी स्टॉक बाय करा है, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा। अब एक क्वालिटी स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं एंड कैसे पिक करते हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नाउ ये जो क्वालिटी स्टॉक से हमें प्रॉफिट होगा, हम इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर हम क्वालिटी स्टॉक को तब बाय करें जब वो एक अंडर वैल्यूड जोन में है, यानी वो स्टॉक हमें एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है जो कि उसके एवरेज प्राइस से कम है। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन बाइंग एट द राइट टाइम। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अब अगर हमें एक स्टॉक को राइट टाइम पे बाय करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब वो स्टॉक एक अंडर वैल्यूड जोन में है एंड कब वो स्टॉक एक ओवर वैल्यूड जोन में है। अब ये पता करने के दो तरीके होते हैं, पहला पीई मेथड एंड दूसरा आरएसआई मेथड। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम वन बाय वन, स्टार्टिंग विद पीई मेथड। नाउ जो ये पीई मेथड है, ये पीई रेशियो पे वर्क करता है। पीई रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब पीई रेशियो को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो एक कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर है 10 का, यानी उसके एक शेयर पे आपको 10 रुपीज की अर्निंग मिल रही है। अब एट प्रेजेंट जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो है 100 रुपीज का, यानी इसका एक शेयर एट प्रेजेंट आपको 100 रुपीज में मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इस कंपनी का एट प्रेजेंट पीई आएगा 10 का, दैट इज रुपीज 100 डिवाइडेड बाय 10। दिस मीन्स एट प्रेजेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी का एक शेयर ओन करने के लिए इस कंपनी की अर्निंग्स का 10 टाइम्स पे करने को तैयार हैं। सो दिस इज व्हाट पीई मीन्स। नाउ पीई मेथड के मदद से हम एक कंपनी की वैल्यूएशन को दो तरीकों से एनालाइज कर सकते हैं। नंबर वन, एनालाइजिंग कंपनीज ओन पीई, एंड नंबर टू, एनालाइजिंग एंटायर मार्केट्स पीई। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम वन बाय वन, स्टार्टिंग विद एनालाइजिंग कंपनीज ओन पीई। सो हर कंपनी का अपना पीई रेशियो होता है एंड वो पीई रेशियो आपको किसी भी फाइनेंशियल एनालाइजिंग वाली साइट पे मिल जाएगा, जैसे स्क्रीनर, मनी कंट्रोल या टिकर टेप, किसी पे भी मिल जाएगा। अब इस पीई को हम एक स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने के लिए दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है इस कंपनी के पीई को हम इसके हिस्टोरिकल पीई से कंपेयर करें, यानी कि हम इसके पिछले 10 या 5 साल का पीई निकालें एंड हर साल का पीई का एक एवरेज लें, मतलब जो पिछले 10 साल का पीई है उसका एक एवरेज लें एंड उसको इसके प्रेजेंट पीई से कंपेयर करें। अगर इसके प्रेजेंट पीई जो है इसके 10 साल के एवरेज पीई से ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी ओवरवैल्यूड है। वेयर एज अगर इसका प्रेजेंट पीई इसके 10 साल के प्रीवियस पीई से लो है, दैट मीन्स कंपनी अंडरवैल्यूड है। सो ये है पहला तरीका। अब इसको करने के लिए आपको चाहिए कंपनी के हर साल का ईपीएस एंड उसके हर साल का प्राइस, एंड देन आपको हर साल पीई निकालना होगा हर साल का एंड उसका एवरेज निकालना होगा, एंड देन उस एवरेज को आप इससे कंपेयर कर सकते हो। तो ये तो इसका टीडीएस एंड लॉन्ग वे है। शॉर्ट वे में स्क्रीनर पे हमें यहाँ पीई खुद प्रोवाइडेड होता है एंड आप इस पे क्लिक कर सकते हैं एंड पिछले 5 साल पे क्लिक कर सकते हैं एंड ये ईपीएस टीटीएम ईपीएस को यहाँ पे बंद कर दो एंड यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस कंपनी का पिछले 5 साल का पीई का चार्ट एंड उसके साथ साथ ये जो ग्रे लाइन आप देख सकते हैं ये है इसका एवरेज पीई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एवरेज पीई है करीब करीब 25.2 का एंड एट प्रेजेंट इसका पीई है टीसीएस का 35.5 का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमें शो कर रहा है कि एट प्रेजेंट जो टीसीएस है ये ओवर वैल्यूड है। वेयर एज मार्च 2020 में जब मार्केट गिरा था तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एवरेज पीई से टीसीएस का शेयर प्राइस नीचे आ गया था, मतलब टीसीएस का जो प्रेजेंट पीई है वो इसके एवरेज पीई से नीचे आ गया था। सो ये अंडर वैल्यूड जोन था। सो ये पहला तरीका है किसी भी शेयर को एनालाइज करने का एंड इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। हिस्टोरिकल पीई से बेसिकली कंपेयर करो उसके प्रेजेंट पीई को एंड पता लगा लो कि शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वे। सो दूसरा तरीका है कि इस कंपनी के पीई को हम इस कंपनी के पीयर्स के पीई से कंपेयर करें, यानी इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं या इस सेक्टर में जो और कंपनियां हैं उनके पीई से कंपेयर करें एंड देन पता करें कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या नहीं। सो इसको करने के लिए सिंपली हमें आना है इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन पे एंड यहाँ पे हर कंपनी का जो इस सेक्टर की आईटी सेक्टर की कंपनियां टीसीएस के साथ की उनका पीई मेंशनड है। तो अभी जितने भी हमें यहाँ पीई मेंशनड है इन सब पीई का हम एवरेज लें एंड हमें मिल जाएगा पूरे आईटी सेक्टर का एवरेज पीई। देन उस एवरेज पीई के मदद से हम कंपेयर कर सकते हैं टीसीएस के पीई को, उससे कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि क्या टीसीएस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड।
तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं HCL Technologies 28.09 के PE पे है, जो कि मेरे ख्याल से इस पूरी लिस्ट में सबसे कम है। सो दिस शोज कि HCL Technology, TCS, Infosys इन सब के कंपैरिजन में सस्ते में मिल रही है, वेयर एज L&T Infotech 54 के PE पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। सो दिस शोज L&T Infotech काफी हाई वैल्यू पे इस समय ट्रेड कर रही है एंड ओवर वैल्यूड जोन में है मोस्ट प्रोबेबली। सो दिस इज द सेकंड वे ऑफ यूजिंग PE टू फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आप PE को यूज कर रहे हो एक कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए, तो हमेशा PE को उसके पीयर से ही कंपेयर करें। ऐसा ना करें कि TCS को आप HUL से कंपेयर करने लगे या TCS को आप पिडिलाइट से या एशियन पेंट से कंपेयर करने लगे। ऐसा ना करें, हमेशा अगर आप दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हो PE के बेसिस पे, तो वो दोनों कंपनियां सेम सेक्टर की होनी चाहिए, क्योंकि PE सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। सो ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। सो ये दो तरीके हैं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के PE की मदद से। पहला तो सिंपली आप उसके हिस्टोरिकल PE से उसे कंपेयर करो एंड पता कर लो कि कंपनी ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। एंड दूसरा है सिंपली आप उसके पीयर्स से कंपेयर करो उसका प्रेजेंट PE एंड पता कर लो कि वो कंपनी ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। सो इन दो को आप यूज करके किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हो। एंड सबसे सिंपल है कि आप यहाँ पे चार्ट पे आके PE पे क्लिक करके यहाँ से देख लो, ये आपको बेसिक आइडिया दे देगा कि कंपनी ओवरवैल्यूड है अंडरवैल्यूड। सो ये तो था एनालाइजिंग कंपनीज ओन PE। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनालाइजिंग एंटायर मार्केट्स PE। सो जैसे एक कंपनी का PE होता है, वैसे ही हमारे इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स एंड निफ्टी इनका भी PE रेशियो होता है। एंड जैसे कि मैंने बताया, हम किसी भी कंपनी के PE रेशियो को उसके हिस्टोरिकल PE से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि वो कंपनी ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। वैसे ही हम किसी भी इंडेक्स के PE को उसके हिस्टोरिकल PE से कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो एंटायर मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो इस समय ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। अभी जो मेथड है ये इस अजम्पशन पे चलता है कि अगर हमारा जो एंटायर निफ्टी है या एंटायर सेंसेक्स है वो ओवरवैल्यूड है, दिस मींस कि बाकी सारी कंपनियां भी ओवरवैल्यूड होंगी। एंड अगर सेंसेक्स या निफ्टी अंडरवैल्यूड है, दिस मींस कि बाकी सारी कंपनियां जो हैं वो भी अंडरवैल्यूड होंगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस तरीके को यूज करके हम कैसे वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। सो यहां पे मेरे पास निफ्टी का पिछले 20 साल का PE का डाटा है, 2001 से लेके 2021 तक का। सो अब ये जो डाटा है, जब मैंने इसका एवरेज लिया इस पूरे 20 साल के PE का, तो वो एवरेज आया अराउंड 20.8 का, यानी निफ्टी का पिछले 20 साल के PE का एवरेज है 20.8। नाउ जब इस पूरे डाटा को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया, तो वो ग्राफ है यहाँ पे हमारे पास। अब जो नोट करने वाली बात है इस ग्राफ में, वो ये है कि जो हमारा 20 का एवरेज है PE का, जब जब निफ्टी का PE इस 20 के ऊपर गया है, तो हमारा जो मार्केट है वो एक ओवरवैल्यूड जोन में आया है एंड मार्केट ने क्रैश किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2008 में करीब करीब निफ्टी का जो PE था वो था 27.62 एंड मार्केट ने क्रैश किया था 2008 में बहुत अच्छे से, ये आपको पता है। एंड अभी रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो 2020 में क्रैश से पहले मार्केट का जो PE था निफ्टी का वो था अराउंड 28.07 का, एंड जब मार्केट ने क्रैश किया तो आप ये देख सकते हैं PE गिर के हो गया 17.58 का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जब जब 20 से ऊपर निफ्टी का PE गया है, तो मार्केट जनरली एक ओवरवैल्यूड जोन में रहा है एंड मार्केट ने क्रैश किया है। एंड जब जब निफ्टी का PE 20 से नीचे है, तो मार्केट एक अंडरवैल्यूड जोन में रहा है एंड मार्केट एक बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उस समय। सो अब इस डाटा को आप यूज कैसे कर सकते हैं? तो इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आप कभी बाय करने का या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो सिंपली आप उससे पहले एक बार निफ्टी का उस समय क्या PE चल रहा है उसको चेकआउट कर लें। एंड अगर निफ्टी का PE उस समय 20 से नीचे है, देन आप इन्वेस्ट करें, एंड अगर 20 से ऊपर है देन इन्वेस्ट ना करें। बिकॉज अगर मार्केट क्रैश करता है देन सारे स्टॉक्स क्रैश करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टॉक कितना अच्छी क्वालिटी का है। पूरा जब मार्केट क्रैश करेगा तो सारे स्टॉक क्रैश करेंगे, एंड जब मार्केट राइज करेगा तो सारे स्टॉक राइज करेंगे, चाहे आपके स्टॉक कितनी बेकार क्वालिटी का क्यों ना हो। सो सिंपली जब भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उससे पहले एक बार निफ्टी का PE चेक कर लें। एंड PE अगर 20 से नीचे है तो इन्वेस्ट करो, एंड अगर 20 से ऊपर है तो इन्वेस्टमेंट को कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए रोक दो। नाउ ये तो मेरे पास पूरा PE का डाटा है, एंड अगर आपको ये डाटा चाहिए, ये एक्सेल चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये डाटा 22 अक्टूबर तक का है, एंड उसके आगे का PE कैसे चेक करेंगे मैं आपको वो दिखाता हूं। तो सिंपली आपको आना है गूगल पे, एंड गूगल पे आके आपको सिंपली टाइप करना है NSE PE, ठीक है। एंड ये टॉप का पहला लिंक है हमारा, ये NSE का ऑफिशियल साइट का लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद इंडेक्स आपका निफ्टी 50 सेलेक्टेड है। बाकी अगर आपको और किसी इंडेक्स का चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर इंडेक्स का कंपनी की तरह पीई होता है, तो वैसे ही निफ्टी का भी पीई है, हर इंडेक्स का है, आप जिसका चाहे चेक कर सकते हैं। नाउ इंडेक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहां पे मैंने करा 1 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक का, यानी आज तक का मैंने सेलेक्ट कर लिया डाटा, एंड मुझे पी लेना है तो मैंने पी सेलेक्ट करा एंड गेट डाटा पे क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे मेरे पे 1 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक का पी आ गया, एंड एट प्रेजेंट निफ्टी का पी है 27.9, एंड एनएससी की ऑफिशियल साइट है, तो यहाँ पे जो डाटा मिल रहा है हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो हमारी हिसाब से जो हमने मतलब चार्ट में देखा उस हिसाब से हम देखें तो ये निफ्टी एट प्रेजेंट ओवर वैल्यूड है, एंड एट प्रेजेंट अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं, मतलब अपना आइडिया को कुछ महीने ड्रॉप कर सकते हैं, एंड जब निफ्टी नीचे आ जाए 20 से देन इन्वेस्ट करें। सो वो एक अंडर वैल्यूड जोन होगा निफ्टी का। सो यह है दूसरा तरीका पी को यूज करके किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का। सो ये थे दो तरीके पी मेथड को यूज करके किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के। टू समराइज, पहले मेथड में हमने कंपनी के खुद के पी के मदद से उसकी वैल्यूएशन निकाली। अब ये करने के दो तरीके हैं, या तो आप उस कंपनी के पी को उसके हिस्टोरिकल पी से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि उसकी वैल्यूएशन कैसी है, या फिर आप उस कंपनी के पी को उसके पीयर्स यानी कि उस सेक्टर की अदर कंपनीज के पी से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। टॉकिंग अबाउट द सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में हमने पूरे एंटायर मार्केट यानी सेंसेक्स एंड निफ्टी का पी निकाला एंड उसे कंपेयर करा उसके हिस्टोरिकल पी से, एंड देन पता करा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। अब सेकंड मेथड जैसे कि मैंने बताया इस अजम्पशन पे चलता है कि अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है देन सारी कंपनियां ओवर वैल्यूड है, एंड अगर मार्केट अंडर वैल्यूड है देन सारी कंपनी अंडर वैल्यूड है। सो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकंड मेथड, दैट इज RSI मेथड। सो RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपनी का स्टॉक एट प्रेजेंट ओवर बॉट जोन में है या ओवर सोल्ड जोन में। यानी सिंपली RSI हमें ये बताता है कि एट प्रेजेंट किसी भी कंपनी के स्टॉक की मार्केट में डिमांड हाई है या लो। नाउ जो RSI की रेंज होती है वो होती है 20-80 के बीच, जिसमें कि ये माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का RSI 70 से ज़्यादा है दैट मीन्स कंपनी ओवर वैल्यूड है, वेयर एज अगर किसी कंपनी का RSI 30 से कम है दैट मीन्स कंपनी अंडर वैल्यूड है। नाउ अब RSI इंडिकेटर को किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए यूज कैसे करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो RSI की मदद से किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको सिंपली आना है moneycontrol.com पे। moneycontrol पे आने के बाद आपको सर्च में उस कंपनी का नाम टाइप करना है जिसका भी आपको वैल्यूएशन निकालना है। अब यहाँ पे ICICI बैंक शो हो रहा है तो हम इसी को ले लेते हैं। सो नाउ एक बार वो पेज लोड हो जाए देन आपको यहाँ नीचे आना है एडवांस चार्ट के ऑप्शन में। एडवांस चार्ट के ऑप्शन में आके आपको यहाँ इंडिकेटर्स जो है इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है RSI। अब RSI टाइप करने के बाद टॉप पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसको बंद कर देना है, एंड देन आपको जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट करा है उसका चार्ट को मैक्सिमाइज पे ओपन कर देना है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर चार्ट देख सकते हैं ये है प्राइस का चार्ट, यानी ICICI बैंक का प्राइस कैसा मूव कर रहा है ये उसका चार्ट है, एंड ये नीचे है हमारा RSI का चार्ट। अब इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया था RSI की जो जनरल रेंज होती है 20-80, एंड जो 70 से ऊपर अगर RSI होता है दैट मीन्स कंपनी ओवर वैल्यूड है, एंड अगर 30 से नीचे होता है दैट मीन्स कंपनी अंडर वैल्यूड है। बट अगर 40 से नीचे RSI आता है देन भी कंपनी अच्छी बाइंग रेंज में होती है, एंड 30 से नीचे का मतलब हो जाता है बहुत ही अंडर वैल्यूड है कंपनी, ठीक है। अब इसको यूज करना बहुत सिंपल होता है एंड मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ। जैसे कि अब ये वाला केस है यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे RSI आप राइट हैंड साइड देख सकते हो, RSI है करीब करीब 34.65 के आसपास का, करीब करीब 34.9 के आसपास का RSI, मतलब अंडर वैल्यूड है बेसिकली कंपनी, ठीक है। एंड यहीं पे वर्टिकली ऊपर आप देख सकते हो सीधा सीधा कि इस पॉइंट पे अगर आपने ICICI बैंक को बाय करा होता तो दोबारा ICICI बैंक का शेयर इस पॉइंट पे नहीं आया है, इससे ऊपर ही ऊपर गया है, मतलब अप ट्रेंड में चला है, ठीक है। एंड अगर आपने अभी इस पॉइंट पे बाय करा होता यानी अप्रैल में बाय करा होता 534 के प्राइस पे तो एट प्रेजेंट ICICI बैंक 841 के प्राइस पे है। बट अगर आपने RSI के हिसाब से यहां देखो तो इस समय ICICI बैंक का RSI है 77.9, एंड अगर आपने इस पॉइंट पे इसे बाय करा होता तो ये एक ओवर प्राइस्ड जोन में है, एंड यहां से देखो आप ये ICICI बैंक का शेयर फॉल हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपली जज कर सकते हो कि कब कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है कब अंडर वैल्यूड है। इसे हम पहले भी कहीं मतलब कभी भी आप एग्जांपल से इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे अब इस केस में भी अगर हम यूज करें तो देखो यहां पे RSI आया था करीब करीब 32 का, एंड यहां से आप देख सकते हो शेयर प्राइस ने कितनी अच्छी ग्रोथ ली है,
एंड ये आप कहीं भी देख सकते हो, जैसे आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे RSI ऊपर है एंड यहां से कंपनी ने फॉल किया, ठीक है। एंड जब कोई बहुत मेजर फॉल होगा, जैसे 2020 का जो मार्च का फॉल था, जैसे कि यहां देख सकते हो, तो ये देखो RSI 16 का आ गया था। सो ये RSI आपको सिंपली दिखा देता है कि कंपनी कब कितनी सस्ती है एंड कब कितनी महंगी है, और ये सब इंडिकेट करता है। आप इतना जितना बड़ा RSI देखोगे, आप देखोगे ये इसी प्राइस रेंज में, मतलब इसी रेंज में मूव करता है, 20 to 80 की रेंज में। 70 से ऊपर ये होता है ओवर वैल्यूड जोन, जैसे अब यहाँ भी देख सकते हो। देखो अब यहाँ पे अगर आपने बाय करा होता, RSI पहले ही शो कर रहा है हमें ओवर वैल्यूड है, एंड यहाँ पे भी ये ओवर वैल्यूड मतलब गिरा है यहाँ से, बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हो, किसी भी कंपनी की बेसिकली वैल्यूएशन निकाल सकते हो कि वो कंपनी महंगी है या सस्ती है एट प्रेजेंट पे। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 40 से नीचे RSI है तो आप उसे बाय करने का कंसीडर कर सकते हो, 30 से नीचे RSI है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो वो बहुत ही सस्ती कंपनी है, ठीक है। एंड अगर 70 से ऊपर ऐसा RSI है, देन उसे बाय मत करो, कुछ टाइम रुक जाओ, क्योंकि देखो RSI ऐसे ही मूव करता है, ऊपर नीचे इसी तरीके से मूव करता है। जब RSI नीचे आ जाए देन उसे बाय करो, हाई RSI पे बाय करोगे तो जबरदस्ती का लॉस झेलोगे। कभी भी आप देख लो RSI, जब RSI हाई पे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी ने फॉल ही करा है। अब ये मोस्टली केसेस में होता है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है कि RSI में आपने लो RSI पे बाय करा उसके बाद भी कंपनी गिर जाए, या हो सकता है आपने हाई RSI पे बाय करा एंड कंपनी उसके बाद भी बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूं कि अगर हाई RSI पे बाय करते हो तो चांसेस होते हैं कि कंपनी गिरेगी, एंड लो RSI पे बाय करते हो तो चांसेस होते हैं कि कंपनी ऊपर ही जाएगी। अब RSI को यूज करके प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं एंड रियल लाइफ में उसका कैसे यूज होता है, उसका मैं एक आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं, ठीक है। मैं पर्सनली RSI यूज करता हूं तो मैं अपना लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको। तो जैसे आप यहां देख सकते हो, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जिसका शेयर मैंने बाय किया था, एंड ये बाय किया था मैंने 24 अगस्त में इसी साल, ठीक है। एंड बाइंग दो शेयर मैंने बाय करे थे, एंड जो प्राइस था वो था 3847 के प्राइस पे मैंने दो शेयर बेसिकली बाय करे थे 24 अगस्त को डिक्सन टेक्नोलॉजीज के। अब अगर हम डिक्सन के चार्ट पे देखें, बाय द वे मनी कंट्रोल के अलावा अगर आप पे जीरोधा का ऐप है तो आप जीरोधा से भी RSI को देख सकते हो, जीरोधा पे बहुत अच्छे से RSI दिखती है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे आके स्टडीज में आके यहाँ पे RSI टाइप करके उसे एंटर कर देना, जैसे आप मनी कंट्रोल में कर रहे थे, तो जीरोधा पे बहुत अच्छे से RSI दिखती है, अपस्टॉक्स पे भी दिखती है, दोनों पे। अगर आप पे डीमैट है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। मनी कंट्रोल मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो एक फ्री का ऑप्शन है, एंड आप में से कई लोगों पे जीरोधा एंड अपस्टॉक्स नहीं होगा तो मेरे लिए बताना जरूरी था। खैर, गेटिंग बैक ऑन द पॉइंट, जो मैंने डिक्सन का शेयर बाय करा था वो 24 अगस्त को बाय करा था, एंड 3800 के मैंने एवरेज प्राइस पे लगभग बाय किया था। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि 24 अगस्त के आसपास ये रहा, 24-25 अगस्त के आसपास डिक्सन का जो RSI था वो 20 का था, दैट मींस डिक्सन बहुत लो RSI पे था, एंड मैंने इस प्राइस पे बाय किया था। आप ये देख सकते हो राइट हैंड साइड 3828 के आसपास का, मतलब 3800 के आसपास का प्राइस है। एंड आप ये देख सकते हो कि उसके बाद डिक्सन ने दो महीने में इतना अच्छा रिटर्न दिया कि ये अगर कैंडल पढ़नी आती है तो ये टॉप पे आप देख सकते हो डिक्सन 6200 तक गया था सिर्फ दो महीने के अंदर अंदर। ऑफकोर्स अब मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, ट्रेडिंग नहीं करता, तो मैंने सेल नहीं किया, एंड डिक्सन नीचे गिर गया बिकॉज ओवर वैल्यूड हो गया था। यहाँ आप देख सकते हो ये ओवर वैल्यूड जोन में आ गया था एंड ये फॉल कर गया। बट अब भी अगर आप देखो तो मैंने 3800 पे बाय किया था, एंड दो महीने के अंदर अंदर वो 4800 पे, यानी 1000 रुपीज पर शेयर का मुझे रिटर्न मिला, एंड ये एट प्रेजेंट का रिटर्न है। पीक पॉइंट पे जो मुझे रिटर्न था वो तक अराउंड 45-46% के आसपास का मुझे रिटर्न मिल रहा था डिक्सन में दो महीने के अंदर अंदर। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज RSI एंड जनरेट प्रॉफिट्स। सो आई होप आपको RSI समझ आ गया हो, एंड ये समझ आ गया हो कि RSI को कैसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। एंड मैंने आपको ये अपना एग्जांपल दिखाया कि मैंने कैसे RSI को यूज करके प्रॉफिट जनरेट किया। सो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के दो मेन मेथड मैंने आपको बता दिए, पहला PE मेथड एंड दूसरा RSI मेथड। अब ये दोनों मेथड मैंने अपनी लाइफ में यूज कर रखे हैं, दोनों ही मेथड अपने आप में यूनिक हैं, एंड आपको जौन सा ईजी एंड अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए। नाउ अगर आप मेरा सजेशन लें, देन मैं एट प्रेजेंट RSI यूज करता हूँ, एंड मैं आपको RSI ही सजेस्ट करूंगा वैल्यूएशन निकालने के लिए यूज करने को, बिकॉज RSI रिलेटिवली ईजी है एंड फास्ट है। PE मेथड बहुत स्लो है एंड उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, एंड PE में कभी कभी एरर्स भी आती हैं। RSI में ऐसी कोई एरर्स नहीं होती, बस आपको वो चार्ट देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको बाय करना है या नहीं। सो आप RSI यूज करो, दैट इज फार मोर बेटर, बिकॉज RSI एज आई टोल्ड यू ईजी है एंड आप उसमें एरर्स कम करोगे। PE में आप एरर कर सकते हो, एंड वैसे भी PE की एक और प्रॉब्लम है, कंपनी का PE साइड टू साइड वेरी करता है। मनी कंट्रोल कुछ PE दिखाएगा, स्क्रीनर कुछ और दिखाएगा, टिकर कुछ और दिखाएगा, एंड आप बेवजह कंफ्यूज होगे, एंड दैट इज नॉट व्हाट आई वांट। एक्सेल शीट जो मैंने यूज करी थी वो लिंक मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड वन थिंग मोर, RSI जो होता है, जैसे PE रेशियो मैंने बताया था ना, कंपनी का PE होता है एंड उसके अलावा पूरे मार्केट का भी PE होता है, वैसे ही RSI भी कंपनी का RSI भी होता है एंड सेंसेक्स एंड निफ्टी का RSI भी होता है।
तो अगर आप सेंसेक्स एंड निफ्टी का आरएसआई देखोगे तो वहां पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पूरा मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सो वो भी आप यूज कर सकते हो पूरे मार्केट का अगर आपको एनालिसिस करना है। एंड आरएसआई इंडिविजुअल कंपनी का तो आप मेरे को मैंने दिखाई दिया कैसे यूज करते हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी ढूंढनी है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको एक अच्छी कंपनी, एक गुड क्वालिटी कंपनी ढूंढनी है, ठीक है। उस कंपनी को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देना है, ठीक है। पोर्टफोलियो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको अगर आप नहीं देखा तो देख सकते हो, पोर्टफोलियो में ऐड कर देना है। देन आपको टाइम टू टाइम उस कंपनी का आरएसआई देखते रहना है। जब उस कंपनी का आरएसआई कम आ जाए, 30 से नीचे आ जाए या 40 से नीचे आ जाए, देन उसको बाय कर लेना है। सिंपली आपको ये तीन चीज़ें करनी है। ये तीन चीज़ें जो मतलब ये तीन वीडियोस जो मैंने लेटेस्ट बनाई थी फंडामेंटल एनालिसिस की, जो सेकंड लास्ट वीडियो थी हमारी पोर्टफोलियो पे, वो वीडियो एंड ये वाली वीडियो, ये तीन वीडियो ज़रूर देखो। इन तीन वीडियो में ही सारा सार है पूरे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी रीजन से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड एट लास्ट, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।